Marked a location. Watch out! Marked a location. Cover me! हेलो गेमर्स, आ चुके हैं हम एक और नए वीडियो के साथ वापस। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कॉल करने वाले हैं टॉप 4 क्लोज कॉम्बैट ड्रिल्स। सो गाइस, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। गाइस, इसमें आप लोगों को ट्राई करना है कि एम असिस्ट ऑफ ही रखने। एम असिस्ट ऑफ हो गई तो गाइस आप लोग का जो एम असिस्ट में हेड पड़ता था वो आप लोग का ऑटोमेटिक वहाँ पे रहता। बट अभी आप एम असिस्ट ऑफ हो गए तो आप लोग खुद से वहाँ पे हेड पहुँचा सकते हो। वही आपको इसलिए आपको एम असिस्ट ऑफ रखने। कस्टम खेलो, TDM खेलो, क्लासिक खेलो, हर चीज़ में एम असिस्ट ऑफ रखो, समझे आप। एंड गाइस, 5 में से ऐसे खेलोगे जिसमें आपका एम असिस्ट ऑफ रहे TDM की। बट सो गाइस, अभी मैंने M4 उठा लिया हूँ। फिर पिकअप करने के बाद गाइस आप लोग ओनली एक्सटेंडर लो, रिलोड करो एंड बैकपैक विकपैक ले लो। कंपेंसेटर कुछ भी मत लो, सिर्फ बैकपैक वेस्ट लो। पहले ले तो हम लोग बैकपैक ले लिया, वेस्ट ले लिया। चलो गाइस, अभी हम लोग आगे बढ़ते। एंड गाइस, इसमें आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, आप फिर से बोल रहे हो एम असिस्ट ऑफ रखो, एम असिस्ट ऑफ है बस। सो गाइस, आप लोग अभी एमओ ले लो। सो गाइस, अभी मैंने एमओ ले लिया हूँ। चलो गाइस, अभी हम लोग बढ़ते हैं पहले ड्रिल की तरफ। सो गाइस, एमओ लेके आप लोग इधर आ जाओ। इधर आने के बाद इस पर डिटेल पे क्लिक करो, कस्टमाइज पे जाओ, 60 और अपना 40 बंद करो एंड नीचे जाओ, मूवमेंट स्पीड हाई कर दो एंड लेवल 3 रखो, दोनों लेवल 3 कर दो और हेड पे क्लिक कर दो बस। और स्टार्ट पे क्लिक करो, आप लोग इधर आओ। एंड गाइस, फर्स्ट स्किल हमारा ये है कि खड़े रहो, सिर्फ ट्रेसिंग करो। हेड आप लोग को दिख रहा है, हेड पे ट्रेस रखो, सिर्फ हेड पे एम रखो और सिर्फ मूवमेंट देते रहो। सिर्फ नॉर्मल पहले खड़े रह के मूवमेंट हुआ, नॉर्मल खड़े रह के मूवमेंट देते रहो, खड़े रहो, आप लोग क्राउच कर सकते हो। सो कहते भी हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड ड्रिल की तरफ। सो कहते भी हम लोग को कस्टमाइज में आना है, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग और सेम जो प्रोसेसर हमने स्टार्टिंग में रखे थे वही सेम प्रोसेसर हम लोग को करना है। 60 और 40 बंद करना है एंड मूवमेंट स्पीड हाई करना है और लेवल 3 करना है। हेड शॉट और इसको स्टार्ट कर दो और इधर आओ और ड्रिल शुरू करके हम लोग को सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेट खड़े रहो। और जो हम लोग फर्स्ट में ट्रेसिंग कर रहे थे ना, अब वो ट्रेसिंग के साथ आप लोग को हेड पे एम के फायर भी रखना है। सेम वही चीज़ करना है गाइस, ट्राई करो कि हेड पे एम मोस्टली। तो हेड पे आप लोग करोगे ना तो आपका अच्छा भी जाएगा वो चीज़। बस इतना ही है गाइस, समझे आप। अरे यार, ये फिर क्लिक हो गया। कोई नहीं, ऐसी तो सबके साथ होता रहेगा। चलो वही गाइस, आप लोग को इतना करना है, ये करो, हेड पे एम रखो बस। गाइस, इसमें तो आप लोग होएगी थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट, क्योंकि थोड़ा हार्ड भी रहेगा ना, क्योंकि हम लोग को करने थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा फायर में। हेड का भी कभी क्लिक नहीं होएगा, ऐसा सीन नहीं है, फिर हो गया। फिर कोई नहीं, ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो इम्प्रूव भी होते रहेगा। क्रॉस में भी करना गाइस। सो गाइस, अभी हम लोग बढ़ते हैं थर्ड ड्रिल की तरफ। सो गाइस, थर्ड ड्रिल में कुछ नहीं गाइस, इसमें हम लोग का जिगल इम्प्रूव है। सो गाइस, ये आप लोग पॉइंट देख लो और ये पॉइंट गाइस, इतना सा ये जो शेक है ना बॉक्स, इसके अंदर ही आप लोग को जिगल मूवमेंट देना है, बस इतना है गाइस। आप लोग को जो सामने जो एम ट्रेसिंग का जो दिख रहे हैं ना बोर्ड, उस पर गाइस आप लोग को बस फायर करना है और कुछ नहीं, बस रिलोड करो, जिगल दो, फायर करो, बस गाइस इतना ही है ट्रिक में बस। सो गाइस, अभी हम लोग को बनना है ड्रिल 4 की तरफ। सो गाइस, ड्रिल 4 में हम लोग को ये जो हम लोग की जो सेम सेटिंग थी उनको सेम अपने को फॉलो करना है एंड इधर आना है गाइस। इसमें भी हम लोग को जो जिगल है मूवमेंट वो फॉलो करना है एंड जो एम था अपना हेड पे एम लग के फायर देना, बस गाइस इतना है। एंड इसमें गाइस मुझे पता है ये भी हार्ड है, क्योंकि हेड पे ज़्यादा जल्दी लगता नहीं है। इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो गाइस हो जाएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना, इसमें खोने की तो बात नहीं आई, बट प्रैक्टिस करेंगे गाइस ये भी इम्प्रूव हो जाएगा हमारा। तो गाइस चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। तो गाइस, अभी हम लोग बढ़ते हैं ड्रिल 5 की तरफ। गाइस, ड्रिल 5 में भी गाइस हम लोग को सेम स्टेप फॉलो करना है, जो हम लोग के सेटिंग्स थे उनको सेम फॉलो करके गाइस आगे बढ़ना है। तो गाइस, जो हमारे 1 से लेके जो 4 तक ड्रिल था, अभी हम लोग को उसको क्लोज रेंज में परफॉर्म करना है। आप लोग को जाना है क्लोज में एंड गाइस यहाँ पे हम लोग को वही ड्रिल परफॉर्म करना है जो हमने फर्स्ट ड्रिल था ट्रेसिंग वाला, और सेकेंड था ट्रेसिंग के साथ फायर, और थर्ड था जिगल, और जो अपना 4 ड्रिल था जिसमें फायर भी था, एम भी था एंड जिगल के साथ क्राउच भी था। ये 5 को कंबाइन करो और क्लोज रेंज में परफॉर्म करो और ये मतलब टॉप रखना भूलना मत 3 दिन तक। गाइस, 2-3 दिन पहले की बात है, मैं स्ट्रीम कर रहा था तो मैं मेरे दोस्त के साथ 1v1 खेला था, उसने रूम कार्ड खोला था तो मैं उससे हारा था। तो मैं उससे हारने के बाद बोला चलो इससे अब मैं प्रैक्टिस करके जाऊँगा फिर करूँगा। तो गाइस, ये दिन में प्रैक्टिस करो, अब मैं जाऊँगा उसके साथ खेलने। तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट में, मैं इसके साथ करूँ क्या नहीं 1v1। एंड गाइस, जो वीडियो में मैं हारा हूँ उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसके भी चैनल पे अपलोड है उसका भी लिंक दे दूंगा। एंड बस गाइस, आप लोग से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल आइकन को प्ले कर दो कि जिससे जो भी मेरी न्यू वीडियो आएगी वो आपको
पास पहले पहुंच जाएगी। एंड गाइस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट में बताओ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। चलो थैंक यू गाइस, मिलते हैं।